बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षु डॉक्टर द्वारा अपनी सहपाठी प्रशिक्षु महिला डॉक्टर की दादी की निर्मम हत्या करने के मामले में हालात संवेदनशील बने हुए हैं। मामले में मृतक महिला के परिजनों ने सोमवार को प्रेस वार्ता में डेंटल कॉलेज प्रशासन के खिलाफ लापरवाही बरतने पर मामला दर्ज करने की मांग की है। परिजनों का कहना है कि घटना के 20 दिन पहले उन्होंने कॉलेज के उप प्रधानाचार्य के पास लड़के द्वारा उनकी बेटी से छेड़छाड़ करने और बेवजह परेशान करने संबंधी शिकायत की थी, लेकिन इसके बावजूद कॉलेज प्रशासन द्वारा आरोपी के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। यदि कॉलेज प्रशासन समय रहते कड़े कदम उठाता तो हादसे को रोका जा सकता था। इस मामले में कड़ी कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से उन्होंने मुलाकात की। 12 अगस्त को यहाँ सुंदरनगर में एक बहुत ही मंदभागी घटना वापरी। हमारी भांजी के घर उनकी सास को रात को कत्ल कर दिया गया गैंती से, बहुत बेरहमी से, और उसके बाद भांजी की लड़की को उसको मारने की कोशिश की, वो भगवान की कृपा से बच गई। और इस केस की उसी दिन पुलिस पहुँच गई, उस लड़के को पकड़ लिया और ये उसके पर FIR हो चुकी है। और हम CM साहब को भी मिले MLA साहब के थ्रू, और हमारे गुरुजी सतगुरुदेव सिंह जी नामदारी संगत के कम्युनिटी के जो हेड हैं वो भी उचेचे तौर के पर आए और नामदारी संगत को कहा कि आप CM साहब को मिलो। CM साहब को मिले हैं और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि फास्ट ट्रैक में इसका हम जल्दी से जल्दी उसको सजा दिलाएंगे। सारी कार्रवाई चल रही है, पर हम सिर्फ यही चाहते हैं कि ऐसे जुल्म को, ऐसे दरिंदगी से किए कत्ल को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि केवल हिमाचल में नहीं पूरे देश के सामने ये मिसाल हो कि इसके बाद कोई भी ऐसी जुर्त ना करे ऐसा जुल्म करने की। उसके लिए प्रशासन भी, उसके लिए जुडिशरी भी इसी तरह साथ दे जैसे मुख्यमंत्री जी साथ दे रहे हैं, और इसको सख्त से सख्त सज़ा मिले ताकि ऐसा कुछ ना हो। क्योंकि हमें ये भी बताया जा रहा है कि वो लड़का बहुत पैसे वाला है, उसके परिवार वाले जज हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से इतने बड़े वकील कर सकते हैं। अगर ये नहीं होना चाहिए कि जितना महंगा भी वकील कर ले कोई उससे करने से, जुल्म से, सजा से नहीं बच सकेगा। हमारी केवल यही मांग है और सभी वकीलों से प्रार्थना है कि कोई भी वकील इसका केस ना ले इंसानियत के तौर पर, ताकि उसको पता चले कि ये अगर कोई भी जुल्म करता है उसको कैसी सज़ा मिलती। हमने वहाँ कॉलेज में कंप्लेंट की थी 20 दिन पहले, और उन्होंने हमारा साथ देने की बजाय ये कहा, अच्छा हुआ आप पुलिस के पास नहीं गए, अगर आप पुलिस के पास जाते, दविंदर शर्मा ने कहा, तो हमें मजबूरी में कॉलेज की रेपुटेशन के लिए हमें साथ देना पड़ता उस लड़के का, क्योंकि उसने बहुत सी डोनेशन देकर और फिर उसने एडमिशन ली है। और इसी वजह से कॉलेज ने लड़के को नहीं रोका, उस पर कार्रवाई नहीं करने दी और इतना बड़ा हादसा हो गया। उस दिन दविंदर शर्मा ने, जब कॉलेज की मैनेजमेंट ने लड़के का साथ देना था, आज भी उसका साथ दें और जेल में जाएं, हम तो यही चाहते हैं। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।